आज हम टेस्ला की कहानी को बताने जा रहे हैं, जिसको भविष्य की चाबी बोलते हैं। टेस्ला का कोड है 369। आज भी एक रहस्यमयी अंक बना हुआ है। पूरी दुनिया मानती थी कि ये अंक एक महान रहस्य की ओर इशारा कर रही थी, मगर पूरी दुनिया नहीं जानती थी टेस्ला इसको बहुत अच्छे से उपयोग करना जानते थे। इसलिए टेस्ला का कोड 369 आज भी एक स्थायी अंक के तौर पर जाना जाता है। इस अंक को ब्रह्मांड की चाबी भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि किसी इंसान ने इस नंबर के अद्भुत शक्ति और इसके रहस्य को समझ लिया तो समझो उसने ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया। चलो जानते हैं इस वीडियो के जरिए से, जानिए आखिर क्या था निकोला टेस्ला का कोड 369, क्यों इस ब्रह्मांड की चाबी कहा जाता है। दुनिया के महान आविष्कारक निकोला टेस्ला ने आज भी अपने यूनिक आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। सर्बियाई मूल के रूप में अमेरिकी आविष्कार टेस्ला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के साथ भविष्यवाणी भी करते थे, जिन्हें खास तौर पर मॉडर्न अल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के डिजाइन को उसने योगदान के साथ में जाना जाता है। और इसके अलावा निकोला टेस्ला को टाइम के लिए भी जाना जाता है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोशिया में हुआ था। 1870 के दशक उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1880 के दशक में वे टेलीवी कंपनी में काम करने लगे थे। और टेस्ला 1891 ईस्वी में टेस्ला अमेरिकी नागरिक बन चुके थे। क्या था कोड का रहस्य 369? निकोला टेस्ला केवल महान आविष्कारक ही नहीं बल्कि नंबरों के खेल में भी वो माहिर थे। टेस्ला का कोड 369 आज भी एक रहस्यमय अंक के तौर पर जाना जाता है। इसे ब्रह्मांड की चाबी भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला कहना था कि यदि किसी इंसान ने इस नंबर की अद्भुत शक्ति और इसके रहस्य को समझ लिया तो समझो उसने ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। कहते हैं कि निकोला टेस्ला अपनी ऑफिस की बिल्डिंग में इंटर होने से पहले उसके 3 चक्कर लगाया करते थे। कुछ खाने से पहले वो अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ करते थे। निकोला टेस्ला अगर कभी किसी होटल में रुकते थे तो कमरे का नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना जरूरी मानते थे, वरना वो उस होटल में रुकते ही नहीं थे। होटल या रेस्टोरेंट में वो टिप भी उतनी ही देते थे जो 3 से डिवाइड हो सके। कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को भी वो 3 से डिवाइस करके देख लेते थे। निकोला टेस्ला को इस अंक को लेकर इतना जुनून था कि लोग उन्हें सनकी तक कहने लगे थे। 3, 6 और 9 नंबरों के प्रति जुनून, दरअसल निकोला टेस्ला का लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफी विश्वास था। इस नंबर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपनी जीवन में कई प्रकार के प्रयोग किए। इस दौरान टेस्ला के 3, 6 और 9 नंबरों के प्रति जुनून से अधिक हद तक विश्वास होने के कारण इन नंबरों को टेस्ला कोड भी कहा जाता है। इसलिए इस नंबर को बड़ी गंभीरता से बोला गया था। इस नंबर को बड़ी गंभीरता से फॉलो करते थे। न्यूमेरोलॉजी में भी 3, 6 और 9 नंबरों के सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अमीर शख्स एलोन मस्क ने निकोला टेस्ला के सम्मान में ही अपनी इलेक्ट्रिकल कार को टेस्ला नाम दिया है। एलोन मस्क एवं उसकी कंपनी टेस्ला को चमत्कारिक सफलता के पीछे इन विशिष्ट नंबरों का 369 का भी जादू कोड कहते हैं या जादुई कोड कहते हैं।